हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, इस वक्त मौजूद हूं मैं भावरा गांव में, जो कि बलथर पंचायत का है। जैसे कि यहां पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है एक तरह से शॉर्ट सर्किट हुई है और भयानक जो आग लगी है परसों, या एक तरह से भावरा गांव में बहुत भयानक आग लगी हुई है। माल मवेशियों और एक तरह से घर में रहने वाले लोगों का एक तरह से पूरा घर जल कर राख हो गई है। और ये देखिए, एक काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बुजुर्ग लोगों का घर, एक तरह से उनका डिपेंडेंट होता है माल में, उसी से किसी तरह खाते कमाते हैं और एक तरह से घर उसी में रहना होता है। सामने आप जो देख रहे हैं बुजुर्ग लोग हैं, इन्हीं का ये घर था और एक तरह से इसमें रहते भी थे और माल में उसे किसी तरह पालते थे। और एक तरह से यहाँ पर जल गया है उनका घर, पूरा तरह से तबाह हो गया है। और इसमें रहने सहने की तमाम चौकी वगैरह का जो कागज, एक तरह से जेवरात वगैरह था, वो जल गया है। देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी इसका महक रहा है। ये हैं दादा, एक तरह से लगभग इनका 80+ उम्र है, इनका ये घर था वो जल गया है। और ये भी देखिए, ये बुजुर्ग थे। का दादा नाम हो अपने के? छतरी पटेल। हाँ, छतरी पटेल। आगे लाग गेल खो? आए आगे लाग गेल। तो सब क्या क्या जल गेल बा? चौकी जल बा, बिछावना ओढ़ना, माने जो हमनी के दू बगल के चूल चौला रोला सब वो जल गेल बा। हाँ, सब सामान लगा सब नहीं बा, देखत बा। हाँ, महकत अभी तक है। हाँ जी, तो मैंने बड़ा नुकसान हो गेल खो? है बहुत नुकसान हो गेल, ढेर क्षति हो गई। का चाहता नहीं कि कुछ मदद मिले? हाँ, सरकार से कुछ मदद मिले के चाहता। मदद मिलो है? अच्छा, देखिए ये देखिए किस तरह से जला हुआ है, पूरा नल जल के ही है, वो भी एक तरह से नुकसान हुआ है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। ये भी बुजुर्ग दादा हैं, इनसे भी बात कर। दादा का नाम अपने के? कुमारी पटेल। कुमारी पटेल, का मने दिक्कत हो गल खो? जल चौकी जरल बा, देह पर के कपड़ा जरल बा, बर्तन जरल बा, बकरी जर गेल बाड़ी। हाँ, बकरी भी अपने जलल बिया? तो लिख पढ़ के दियाल खो कहीं सरकार करके? थाना में से लिख के तो बोलो में दियाल बा। दियाल बा, तो का चाहत माने कि मिल मिलो कुछ फायदा को? कुछ मिलो। हाँ जी, तो राहत हम के बंद जी, अबरा भादो में आदमी रोही। हाँ, अबरा रोहू के बारखा में भिंजल जाता सब दस्ता बा जी। देह पर कपड़ा देते नहीं छे। हाँ, ये में सब जल चुक गेल बा। सब जल गेल बा। देखिए बुजुर्ग लोग हैं हम, इनका एक तरह से किसी तरह अपना मर्दानी वगैरह पहन कर एक तरह से खड़े हुए हैं। और ये घर जो कि तरह से आसियाना होता है, किस तरह से जला हुआ है, नल जल का भी रहता है वो भी एक तरह से जल गया। ये देखिए सामने नल जल, कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए इनका जो भी नुकसान हुआ है उस तरह से मुआवजा देकर नल जल को भी रिपेयर करें, ताकि देखिए ये बड़ी गरीब गुरबा लोग अपने जिंदगी जीने के लिए माल में उसी पालते हैं, लेकिन अब वही माल में उसी का रहने का घर और इन लोगों का उसी में घर रहने का जल गया है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए अंदर का भी है, देखिए ये सब, ये देखिए किस तरह से जला हुआ है, सब अंदर का सामान इसी तरह। और बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना, बलथर थाना और नकड़ियागंज थाना आई थी, और एक उसके बाद से पानी इसमें अग्नि सेवन जो होता है वो आई, किसी तरह इसको बचाई, थोड़ा मोड़ा बच भी नहीं गया पाया है और आग बुझाई। तो चार आदमी का, तो चार क्या क्या चार आदमी का घर जल गया। अच्छा, वो देखिए बेहरी भी सामने भी जला। क्या करके घर अपने के? हम छतरी पटेल, कुमारी पटेल, राजेंद्र पटेल, आए गो मुसमातवा है, मुसमात है। हाँ, अपवारी है जी। देखिए ये गरीबों लोग का हाल है, मतलब कि भादो का दिन है और बारिश जबरदस्त हो रही है, और ये कि यहाँ पर कहीं ना कहीं धान रखने के लिए बेहरी वगैरह होता है गांव में, ये भी उसका छज्जा जला हुआ है, बहुत ही नुकसान हुआ है। अब देखते हैं सरकार कितनी इनकी मदद करती है। और एक तरह से बड़े बुजुर्ग लोग हैं, देखिए इनका कितना एक तरह से बुजुर्ग लोगों का कहीं ना कहीं इनका सब कुछ जल गया है, सरकार को चाहिए तुरंत इन्हें मदद करें।